Hi guys, welcome back to my channel, Hashtag Stray. Hey guys, welcome back to my channel, Hashtag Stray. So guys, मैं अभी बाहर खड़ी हूँ. अभी हो रहे हैं दोपहर का टाइम. एक्चुअली दोपहर नहीं, ये शाम हो चुका है. अभी शाम का टाइम है. ये मैं आपको दिखा रही हूँ. और ये है हमारा श्रेयांश. सो अभी मैं आ रही हूँ रूम में. तो गाइस, क्या चल रहा है आप लोगों का? कैसे चल रहा है? लॉकडाउन का टाइम है, बाहर निकलना तो बिल्कुल मना है. सो निकलना भी नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना का जो भी साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. कोरोना चारों ओर कोरोना ही है. जिसके मुंह से भी सुनो, सिर्फ कोरोना के बारे में ही वो बातें करते हैं. सो सोशल डिस्टेंस बना के रखना ज़रूरी है सबके लिए. बट लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं दिन भर क्या करती हूँ. सो गाइस, मेरे लिए तो क्या कोरोना और क्या नॉर्मल डेज, मेरे लिए सेम ही लग रहा है. मुझे तो मैं जैसे नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, एवरीडे मैं जो भी करती थी, मैं अभी भी वही कर रही हूँ. हाँ, जेंट्स लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होंगी, क्योंकि उन्हें घर में रहना पड़ रहा है. बट मेरे लिए सेम है. सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ. एक्चुअली अभी शाम हो रहे हैं. ये है मेरा पूजा रूम. ये मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइस, अभी जैसे शाम का टाइम है. कल जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि मैं दिन भर क्या कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब लगे रहते हैं. लेकिन हाँ, उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. एक्चुअली क्या है, मैं पहले से सोच लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, क्योंकि काम तो मेरे पास भरपूर रहते हैं, क्योंकि करना मुझे ही होता है. जितना भी मैं पेंडिंग छोड़ूंगी, वो मुझे ही करना पड़ता है. सो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे दूसरे वाले रूम में, और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अभी के लिए कौन सा काम छोड़ के रखी हुई हूँ. सो चलिए. सो गाइस, ये है मेरा दूसरा कमरा और ये है मेरा पेंडिंग काम. जी हाँ दोस्तों, ये है श्रेयांश का जो स्कूल का बुक्स हमें मिला था. एक्चुअली मैं जिस दिन आई थी, नेक्स्ट डे ही उसका स्कूल था. नेक्स्ट डे नहीं, दो दिन बाद उसका स्कूल था. बट स्कूल तो बंद हो गया कोरोना के लिए. लेकिन मैंने जो उसका जो बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. सो गाइस, ये है बुक्स और नोटबुक्स जो श्रेयांश को मिले हैं स्टैंडर्ड 3 के. ये सारे जो हैं, मैं इनको ब्राउन पेपर करने वाली थी, बट जैसे ही मैंने सुना कि स्कूल बंद होने वाला है, तो मैंने छोड़ दिया. जैसे कि हम सभी करते हैं कि छुट्टियां तो मिलने वाली है, तो छोड़ तो बाद में किया जाए. बट अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में मेरे लिए ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा. तो इसीलिए मैं अभी करने के लिए बैठी हूँ. ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इसे फॉलो करके रखा हुआ था, लेकिन उससे आगे मैंने किया नहीं था, मैंने छोड़ दिया था. सो अभी मैं इसको लेकर बैठी हूँ, क्योंकि इसे मुझे भी कम्प्लीट करना है. और इनका जो स्कूल वर्क है, वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अभी ये कम्प्लीट भी करना है. गाइज, ये करना भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ये आपके एक्स्ट्रा काम में आता है. ये आपको एवरीडे करना नहीं है, लेकिन ये भी एक काम ही है. अगर आप ना करो तो ये बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि एक साथ के
पूरा काम रह जाता है, ये करना होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि डेली मैं कुछ ना कुछ काम करती रहूँगी, तब मेरा मन भी लगा रहेगा और ये जो कोरोना का चक्कर है इससे भी मैं दूर रहूँगी, क्योंकि दिन भर मैं उसके बारे में सोच सोच के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा मुझे टेंशन हो रखता है और सर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। सो मैं इसीलिए एवरी डे कुछ ना कुछ काम पहले से सोच के रखती हूँ ताकि मैं उस पर भी बिजी रहूँ और ये बाकी की चीज़ें मुझे याद न दिलाएं। ये सब ये देखो ये एक जो है नोटबुक कंप्लीट हो चुका है, इसे मुझे अंदर से टेप लगाना है, सेलो टेप में लगा दूंगी तो हो जाएगा ये। ये देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है नोटबुक, और इसी तरह से मैं सारे नोटबुक्स को रेडी करूँगी, पेपर्स लगाऊंगी मैं। Thank you.
जैसा देख रहे हो अभी भी 11 नोटबुक बाकी है मेरे पास, मैंने टोटल 13 कंप्लीट कर लिए हैं, अभी भी 11 बाकी है। तो सोच रही हूँ मैं इनको पूरा कर लूँ और बुक्स मैं छोड़ देती हूँ, कल करूँगी क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 24 नोटबुक्स हैं इसके, स्टैंडर्ड 3 में 24 नोटबुक्स, आप समझ रहे हो ना। कौन कहता है कि औरतें कुछ करती नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती। हस्बैंड जो है ना वो भी इस वीडियो को पक्का देख रहे होंगे क्योंकि वो भी एवरी डे मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए देखो मैं कितना काम करती हूँ। मतलब घर का काम, बाहर का काम, बच्चे का काम, सब काम मैं करती हूँ। अब ये तो प्रूफ भी मैं दे रही हूँ, मैं कर रही हूँ। लास्ट वाला भी कम्प्लीट है, अभी भी 8 कॉपी जो है वो बन गए हैं नोटबुक्स। उसे मैं बाद में करूँगी, उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा मार्केट से, तो अभी हो नहीं पाएगा। और ये हमारा जो है 60 नोटबुक्स रेडी है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नोटबुक्स रेडी हो चुके हैं। और
नेक्स्ट जो भी है वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि उसके लिए है नहीं हमारे पास, जो है ख़त्म हो चुका है और बचे हैं बुक्स, तो ये मैं बाद में करती हूँ, बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसके लिए। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, बोला ये है श्रेयांश का जो है ये पूरा स्टैंडर्ड टू का जो भी ईयरली रिपोर्ट है मैं वो दिखाती हूँ आपको वन बाई वन। मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल की तरफ से जो उसे स्टैंडर्ड टू में मिला था, अभी वो स्टैंडर्ड थ्री में गया है। सो मैं आपको वन बाई वन दिखाती हूँ। ये है वेलर कार्ड जो आप श्रेयांश को मिला था 20/7/19 को इंग्लिश और हिंदी के लिए वेलर कार्ड। सेकंड जो है गाइस ये है 25 अक्टूबर सेकंड ऑनर कार्ड। नेक्स्ट जो है वो है 26 नवंबर हिंदी कोडल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। इसके बाद जो है गाइस वो है वेल्डन कार्ड ईबीएस और इंग्लिश के लिए, ये उसे मिला था ईबीएस और इंग्लिश के लिए 21 दिसंबर 21 दिसंबर वेल्डन कार्ड। इसके बाद जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 18 जनवरी इंग्लिश कोडल रेसिटेशन। और इसके बाद जो है ये है स्टैंप्स का फाइनल टर्म जो हुआ था वो फाइनल टर्म्स का है, ये है 7/3 यानी कि 7 मार्च यानी कि उसका जो फाइनल टर्म का जो मार्कशीट मिला था उस पर इसे मिला था फर्स्ट ऑनर कार्ड। सो गाइस ये थे स्टैंप्स का पूरा जो ईयरली रिपोर्ट है वो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि ये इतना ही बदमाश है देखने में, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बदमाशी करता है, इसे पढ़ाई भी करता है। सो गाइस चलिए मैं फिर से लगती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बुक्स को करूँ या ना करूँ, क्योंकि नोटबुक्स तो होने वाले हैं नहीं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं, अभी होने वाला है शाम, अंधेरा होने वाला है। सो उसके बाद देखते हैं क्या करती हूँ मैं। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं चाय पी लेती हूँ, वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट जब से ये कोरोना आया है हमारे लाइफ में, जब से हमारे लाइफ में कोरोना आया है उस टेंशन से मैंने चाय पीना भी स्टार्ट कर दिया है। सो मेरे घर वाले भी मुझ पर हंसते रहते हैं कि ये क्या हो गया इसे। सो गाइस मैं चली चाय पीने, और मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे अपना टाइम जो है वो पार कर रही हूँ, क्योंकि सो गाइस मैं चली चाय पीने, क्योंकि अभी तक के लिए इतना हो चुका है, मैं आज और नहीं कर पाऊँगी क्योंकि रोल ख़त्म हो चुका है और बुक्स जो है मैं देखती हूँ, अगर रात को मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो मैं कर लूँगी, वरना मैं अभी जा रही हूँ। और सबसे मेन है कि मुझे अभी अपने पौधों पर पानी भी देना है। सो गाइस मैं चली पौधों में पानी देने, आज के लिए इतना ही। सो गाइस फिर से मैं कल मिलती हूँ कुछ नया लेकर, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एवरीडे कुछ नया दिखाऊँ, मैं कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसे ही बुक्स और कॉपीज को छोड़ दिए हो नोटबुक्स को ब्राउन पेपर लगाने के लिए, सो गाइस लगा लो, क्योंकि हो सकता है 14 के बाद स्कूल ओपन हो जाए और आपको फिर झटका लग जाए कि जल्दी जल्दी मुझे करना है। सो अभी से स्टार्ट कर दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ गाइस तब तक के लिए बाय बाय, और मैं कोशिश करूँगी कि कल कुछ फिर से नया लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए कि छुट्टी में क्या करना है। सो गाइस चलिए बाय बाय, फिर हम मिलते हैं कल।
देखो मेरा गार्डन चकाचक। पूरा जो है गार्डन क्लीन हो गया है। सो गाइस, आप अगर अपने घर पर बैठ के बोर हो रहे हो सो आप इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हो, जिस तरह से मैंने बहुत सारे पौधे लगा के रखे हैं। सो आप भी लगा सकते हो, इन्हें गार्डनिंग करो, पानी दीजिए इस पर, क्योंकि इस पर भी जो है बहुत सारा टाइम देना होता है। और अभी तो आप बिल्कुल फ्री बैठे हो तो आप इस पर अपना जो है माइंड को सेट कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको भी इनके साथ, क्योंकि कहते हैं कि पौधे भी जो है वो बात करते हैं। अगर आप इन्हें दिल से लगाते हो फिर जब इनमें फूल आते हैं, फल आते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो आप भी करके देखिए, आपको भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। और हाँ, इस पर भी मेरा जो है बहुत सारा टाइम मेरा इस पर भी पार हो जाता है, सो मुझे पता ही नहीं चलता है। दिन भर मैं इनके साथ ही लगी रहती हूँ, घर का काम, बाहर का काम, पेड़ पौधे लगाती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो गाइस, आप ये सब भी कर सकते हो घर बैठे, इस पर आप पे दिल जो है आपका दिल लगा रहेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।